नमस्कार दोस्तों, YouTube हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं, YouTube पे भी और Facebook पे भी। दोस्तों आपने अगर नया चैनल बनाया हुआ है, आपको नहीं पता है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करें, तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखते रहिए। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर पाएंगे अपने चैनल पे। तो दोस्तों तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम वीडियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये वीडियो मैनेजर खुल गया है, आप यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करें। ये लाइव स्ट्रीमिंग खुल गया है। दोस्तों अगर आप पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग पे जा रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे आपको पहले गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, अगर आप पहली बार अगर लाइव स्ट्रीमिंग पे जाएंगे तो। आप बस कुछ नहीं, आपको वहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से, जिस तरह से ये खुला हुआ है पेज, इस तरह से आपके पास खुल के आएगा। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए लाइव स्ट्रीमिंग चेकलिस्ट, यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल बना हुआ है और ये सेटअप इन इनकोडिंग सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा। बस आपको यहाँ पर जाना होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे हम क्लिक करेंगे अलग ये पेज पे खुलेगा। दोस्तों ये पेज खुल गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेटअप योर लाइव स्ट्रीमिंग इनकोडर, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से डिवाइस में कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये जितने हैं ये सभी लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर हैं यहाँ से आप। तो दोस्तों मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसका नाम स्प्लिट ब्रॉडकास्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इस समय उसी से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं यही ज़्यादातर यूज करता हूँ। ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। बस इसके लिए आपके पीसी में ग्राफिक्स 4GB 3GB का होना चाहिए, रैम 4GB 3GB का होना चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों आपको स्प्लिट ब्रॉडकास्ट में ये ऊपर वाला डाउनलोड करना है, नीचे वाला नहीं करना है। नीचे वाला ये गेम के लिए है और इसमें गेम जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना गेमिंग मोमेंट्स, तो ये गेम के लिए है। और आप अगर वीडियो चलाना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर वाला डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे फिर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो ये सब ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए फीचर दिया हुआ कैसे लाइव होते हैं, यहाँ पे आप कमेंट, जब लाइव स्ट्रीमिंग कोई कमेंट करता है तो यहाँ से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, ये चैट का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे आपको एनालिस्टिक और इसमें स्ट्रीम हेल्थ लिखा हुआ है, यहाँ जब स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपको बताएगा कि आपका स्ट्रीम कैसा। अभी देखो मैंने किया नहीं। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है स्प्लिट ब्रॉडकास्ट, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। दोस्तों ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये यहाँ पे है स्प्लिट ब्रॉडकास्ट, मैंने ये ओपन किया हुआ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अभी देखिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये आप स्क्रीन देख रहे होंगे, ये दोस्तों यही मैं इस समय अपने पीसी के स्क्रीन को कैप्चर कर रहा हूँ, तो आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। यहाँ आप इस पे सोर्स पे जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी ये करंट में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो थोड़ा स्लो चलेगा, ये देखिए यहाँ स्क्रीन कैप्चर है, तो आप इस पे क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे आपके माउस में एक रेड कलर की दो लाइनें आएंगी, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल,
आपको इसको जहाँ पे ले जाना है, वो जहाँ तक रिकॉर्डिंग करनी है स्क्रीन की, उसको वहाँ पे ले जाके आप क्लिक कर देना। जैसे आपको पूरी पीसी की रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपको बस यहाँ पे किनारे पे ले जाके क्लिक कर देना। अभी मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आप कोई वीडियो गेम, देखिए इसमें गेम भी आप कर सकते हैं ऑटो डायरेक्ट। तीसरा ऑप्शन, अगर आप कोई वीडियो चलाना चाहते हैं, जैसे कोई सॉन्ग वीडियो, कोई आपने कहीं से रिकॉर्डिंग किया हुआ उस वीडियो को चलाना चाहते हैं, तो आपको बस इस पर क्लिक करना है, ये आपके डायरेक्ट ब्राउजर पे चला जाएगा। फिर वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे वेब है, देखिए वेब वेब कैम है यहाँ पे, अपने आप पीसी का कैमरा भी यहाँ पे चालू कर सकते हैं, एक साथ ही चालू कर सकते हैं। अब अदर, ये अदर भी हैं, अदर में नेटवर्क है, स्काइप वीडियो, आप वेब रूल कोई डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर हैं। तो आपको कुछ नहीं, बस आपको अगर वीडियो चलाना है तो यहाँ पे जाना है, अगर स्क्रीन कैप्चर करना है यहाँ पे जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप पहली बार इसको ओपन कर रहे हैं, तो आपको YouTube को प्लग इन करना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। तो आप यहाँ पे टूल में जाएंगे, टूल के बाद आपको यहाँ पे प्लगइन स्टोर पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे, तो अभी आप जिस पे आप ऑथेंटिकेट अपने अकाउंट को लिंक करेंगे दोस्तों, ये कुछ ऐसा खुलेगा प्लगइन स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, इस पे किसी पे नहीं जाना आपको, तीसरे पे जाना शो आउटपुट्स, बस इस पे आपको क्लिक करना है, ये खुलेगा अभी। ये देखिए कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे फेसबुक लाइव मैंने देखिए इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे क्लिक कर देना और इंस्टॉल कर देना। फिर आप कुछ नीचे आएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे, तो फिर से फुल लोडिंग होगा ये। फिर और थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये देखिए लास्ट में आपको यूट्यूब लाइव आ रहा है, बस आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है और ये आपके इसी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसका दोस्तों मैंने ये किया हुआ पहले से, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से बैक कर दूँगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको आउटपुट्स में आना है। आउटपुट्स में आएंगे, ये देखिए मैंने पहले से यहाँ पे सेटिंग की हुई है, तो आप जब करेंगे तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये आएगा आपको न्यू आउटपुट सेटअप में। दोस्तों इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये खुल नहीं सकता है, जैसे आप यहाँ पे सेटअप पे आएंगे ये ब्लैक हो जाएगा, जब आप वहाँ पर ओपन करेंगे। मैं अगर इसको बंद कर दूंगा अभी रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, तो जितने आपके इंस्टॉल एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये खुल जाएंगे, यूट्यूब, फेसबुक और भी जितने सॉफ्टवेयर हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं, यहाँ पे आप जाएंगे, बस उसी पे क्लिक कर देना है, वो आपसे खुल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे खुलेगा, ये देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है, बस आपको यहाँ पे ये सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग करनी है, ये इसी तरह खुलेगा जैसे मैं खोल रहा हूँ अभी, बस उसमें आपको सेटिंग करनी है, ये देखिए ये सेटिंग करनी है, ये इस तरह से कुछ खुलेगा जैसे आप वहाँ पे खोलेंगे क्रिएट नोट, बस उसमें आपको यहाँ पे ऑथराइज करना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप ऑथराइज पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको गूगल आईडी, जो जिस जिस आईडी से आप चैनल बनाए हुए हैं, उस आईडी को बोलेगा कि ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन करिए। देखिए मैंने किया हुआ है, तो ये पहले से सेटिंग हुई है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, मैं इसको डी ऑथराइज अभी कर देता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाए कैसे करना है। तो ये देखिए डी ऑथराइज हो गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे ऑथराइज करना पड़ेगा। तो अभी पे आपको स्ट्रीमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, वो उसकी आईडी डालनी है यहाँ पे, तो मैं डालता हूँ HINDI ट्यूब 34@gmail.com। इसको नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे इसमें, ये देखिए पासवर्ड डालना है, आप अपना पासवर्ड डाल देंगे कि मैंने डाल दिया, इसको साइन इन करते हैं।
दोस्तों मैंने यहाँ पे देखे दो चैनल बनाया एक ही आईडी पे, तो आपको जिस आपने अगर दो तीन बनाया है तो आप जिस चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उस पे बस यहाँ पे सेलेक्ट करना, आपको बस क्लिक कर देना एक बार। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अलाउ कर देना आपको। जैसे ही आप अलाउ करेंगे ये देखिए यहाँ पे ऑथराइज होकर डी ऑथराइज लिख जाएगा, ये देखिए लिख गया। अभी ये कनेक्ट ऑथराइज हो गया, मतलब कि इसमें कनेक्ट हो गया आपके सॉफ्टवेयर में आपका चैनल। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओके करना। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक इसको आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी दोस्तों, जैसा है सेटिंग इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुई रहती है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो आप इसमें कोई सेटिंग कर भी नहीं सकते हैं, तो आप इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दोस्तों ये एक ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव रिकॉर्डिंग ऑन लोकल ड्राइव, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जब आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जैसे आप स्क्रीन कैप्चर, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके लोकल ड्राइव पीसी में ये सेव हो जाएगा। जैसे आप कहीं यूट्यूब से वीडियो को स्क्रीन कैप्चर करके आप फेसबुक पे दिखा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो वीडियो मेरे पास भी रहे और फेसबुक पे तो वो अपलोड ही हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि हमारे लोकल ड्राइव में भी रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बस क्लिक कर देंगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, तो मुझे नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ पे कुछ आ रहा है ब्रेथ वेट, जो यहाँ पे सब सेटिंग होती है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आपको नहीं आएगा ऑप्शन। तो अब आपको यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करनी है, जैसे आपने यहाँ पे सेटिंग ये सब कर दी, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह आप यहाँ पे जब जाएंगे, आप फेसबुक पे भी आएगा, आप फेसबुक को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड आईडी डाल के। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लिक है, इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे मैं जैसे इसको अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। ये अलग से इसमें फीचर है, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको लाइव कैसे जाना, बस जैसे आप सेटिंग कर देंगे, ऑथराइज कर देंगे अपने अकाउंट को, बस उसके बाद आपको आना है, सभी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये माइक पे यहाँ अगर बंद है इसको चालू कर देंगे, साउंड कम धीम तेज कर सकते हैं, आवाज़ भी कितनी माइक की तेज़ हो धीम हो यहाँ से कर सकते हैं इसको। और उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आउटपुट में जाना है, बस ये यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक साथ दो ही चीज़ हो सकती है, एक साथ एक ही चीज़ हो सकती है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया रिकॉर्डिंग के समय लाइव। तो मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ अगर होता है तो ठीक है। ये देखिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये अभी ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि आप इसके लिए आप एक साथ कई चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करिए, रिकॉर्डिंग करिए, उसके लिए आपको यहाँ पे अपग्रेड नाउ करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं करना है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दिया। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा एक और ऑप्शन आएगा, उस पर आप वही जो टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग वगैरह उसमें डाल के बस नीचे स्टार्ट ब्रॉडकास्ट लिखा रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्रॉडकास्ट लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे रेड हो जाएगा और स्ट्रीमिंग लाइव, आपको मैसेज भी आएगा यहाँ पे कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। और जैसे आप यहाँ पे करेंगे उसके बाद आपके लाइव डैशबोर्ड पे यहाँ पे अभी खुल रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये देखी यहाँ पे जो थंबनेल ऑफलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा, और यहाँ पे स्टार्ट लिख जाएगा कि आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे आपकी जो भी अगर वीडियो चला रहे हैं तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, अगर स्क्रीन कैप्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर शुरू हो जाएंगे।
बस दोस्तों, बस लाइव स्ट्रीमिंग में यही है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।